और आप देख सकते हो इस डीप स्क्रैचेस से आप स्क्रैचलेस। Hello and welcome back to another episode of Motor Mentor. Alright guys, I hope you all are doing well. So, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीस्टोर हीरो प्लेजर के साइलेंसर कवर का। जी आप देख सकते हो इस पिक्चर में इस कवर की क्या हालत हो चुकी है। सो गाइज, ये एक ऐसा पार्ट होता है आपके मोटरसाइकिल या फिर आपके मोपेड का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है और इसी पे सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं। सो इस पार्ट को आप कैसे रीस्टोर कर सकते हो, इस डीप स्क्रैचेस को आप कैसे निकालते हो और इसमें कितना खर्चा आता है और व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस टू डू इट। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसका रीस्टोर हम करने वाले हैं इस वीडियो में और आप देख सकते हो इस डीप स्क्रैचेस से आप स्क्रैचलेस कैसे बना सकते हो आपके मोपेड या फिर मोटरसाइकिल के साइलेंसर कवर का। इस सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहता हूँ गाइज विच विल बेनिफिट यू एज वेल। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट आर द थिंग्स विच यू विल रिक्वायर। सो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। सो सबसे पहले आपको लगेगा ये लंबी पट्टी विच इज द स्क्रैपर, ग्रे पुट्टी, एमसिल हार्डनर, देन योर ग्रे प्राइमर, योर सिल्वर पेंट एंड देन योर लैकर।
गुड रिजल्ट. अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसे प्रॉपरली सैंडिंग कीजिए. मेक श्योर कि कहीं पे भी सरफेस आपका छूटे नहीं, कहीं पे भी आपके स्क्रैचेस आपके हाथ को फील ना हो. इट शुड बी क्वाइट स्मूथ, बतरी स्मूथ फीलिंग आना चाहिए गाइज. मेक श्योर एवरीथिंग और एवरीवेयर इन द कॉर्नर ऑल द सर्फेसिस आर क्वाइट इवन. सो नेक्स्ट प्रोसेस होगा ये कोट. दिस इज कॉल्ड एज द पुट्टी, जिसे हम लांबी भी कहते हैं. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस. द फंक्शन ऑफ दिस इज टू मेक श्योर कि जो भी माइनर स्क्रैचेस है, दोज माइनर स्क्रैचेस ऑल्सो गेट फिल्ड विद दिस. So make sure that you cover up the entire thing in this third coat.